अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटर सिटी मोबाइल। दोस्तों आज मेरे पास है ये वीवो का V15 Pro। ठीक है, ये V15 Pro पॉप अप कैमरे वाला है और इसमें इशू ये आ रहा है कि ये रीस्टार्ट होता है। ठीक है, ये इस तरह पहले चार्जिंग भी लगाओ तो भी ये बिल्कुल मुकम्मल ऑन हो जाता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा। अभी चार्जिंग भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। हाँ, अच्छी केबल के ज़रिए अगर इसको चार्जिंग पर लगाओ तब जाके ये रीस्टार्ट होना बंद कर देता है। और मेरे पास अभी कोई ऐसी केबल नहीं है जिस पे ये ना करे रीस्टार्ट, लेकिन किसी केबल पे मैंने टेस्ट किया है बिल्कुल ऑन हो जाता है मोबाइल चार्जिंग पे लगाते ही, और फास्ट चार्जिंग जिस पे शो करता है और उसके अलावा मोबाइल कम्प्लीटली ऑन होता है, काम करता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। भाई इसका सॉफ्टवेयर भी इस भाई ने करवाया है, इस भाई ने बहुत कुछ इसमें किया है लेकिन ये मोबाइल परमानेंटली ऑन नहीं हुआ। ठीक है ना, ये इसी तरह का इशू देता है और ये इशू काफ़ी अरसे से इसमें आ रहा है। पहले इसमें ऐसा था कि स्पीकर का प्रॉब्लम आया, यानी स्पीकर आवाज़ कट जाता था, फिर पॉपअप कैमरा ओपन होते ही बंद हो जाता था, और अब जाके ये इस कंडीशन में पहुँच चुका है, ये बार बार रीस्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले जहाँ तक मुझे लगता है इसका बैटरी का इशू, तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, इसको प्लग आउट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं और इसकी बैटरी को यहाँ से ओपन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस बैटरी को मैं निकाल देता हूँ, मोबाइल को साइड पे रखते हैं। अभी बैटरी को हमने यहाँ से खोल लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैटरी को ओपन कर लेता हूँ। बैटरी को आपने बड़े आराम से खोल लेना है। मैं आराम से नहीं खोल रहा क्योंकि मैंने इसकी बैटरी रिप्लेस करनी है, जस्ट आपको फॉल्ट बता रहा हूँ। क्योंकि ये बैटरी उस बंदे ने कहा कि अगर बैटरी का इशू है तो इसको रिप्लेस कर दें, लेकिन मैं आपको जस्ट इशू बताना चाह रहा हूँ कि इसमें इशू क्या आता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये वाला देखें। ठीक है, मैं इसी बैटरी पर आपको ये लाइव चला के दिखाऊँगा मोबाइल। अब ये वाली जो कोयल है, मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये वाली जो कोयल है ना, इसकी ये वाली कोयल, ये कोयल, ये रेजिस्टेंस जो है इसकी, ये जब ख़राब हो जाती है तब ये मोबाइल ये मसला करते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कर रहे हैं, आपने जस्ट इसको रिमूव करना है और यहाँ से इसको शॉर्ट कर देना है। जो ही आप रिमूव करके शॉर्ट करेंगे तो आपका जो है ये प्रॉब्लम जो है ना वो तकरीबन सॉल्व हो जाएगा, आपका मोबाइल वर्क करने लगेगा, आपका मोबाइल रीस्टार्ट वाली कंडीशन से हट जाएगा। तो ये अपना काम जब ठीक से नहीं करेगी तो मोबाइल लाजमी बात है रीस्टार्ट होगा। इसमें बैटरी में जो सर्किट होता है, ठीक है, इसका यही तो काम होता है। तो यहाँ से मैंने इसे रिमूव कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको एक जंपर वायर चाहिए और उसके ज़रिए आपने इसको शॉर्ट कर देना है। बस जस्ट इतना सा काम करें, आपका मोबाइल 100% वर्किंग में आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। भाई इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो यही है कि इसकी आप बैटरी कर दें। अगर आप बैटरी इसकी नहीं करना चाहते तो भाई आप इस तरह करें कि आप इसको यहाँ से शॉर्ट कर दें। ठीक है, और शॉर्ट करने के बाद ये एक्स्ट्रा जो वायर है इसको काट लें। और
मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा इस पर टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। ये अच्छे से शॉट हो गया। अभी बारी है इसको चेकिंग की, तो इस पर प्रोटेक्शन लगाना ज़रूरी होता है, तो मैं इसमें जो मैंने टेप उतारी है उसको ही लगा कर इसको चेक करने वाला हूँ, क्योंकि भाई इसकी बैटरी मैंने रिप्लेस करनी है, तो बैटरी रिप्लेस करने से भी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि बिना बैटरी रिप्लेस किए भी आप इसको इस फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। अभी मैं इसको लगाता हूँ। ये मैंने लगा दिया। इसमें मोबाइल को पावर ऑन करते हैं। ये फर्स्ट लोगो से आगे गया। ये अभी इसका सेकंड लोगो है भाई। हालांकि इतनी देर में हमारा मोबाइल बार बार रीस्टार्ट हो रहा है और ये मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी इसकी रिंगटोन ओपन करो तो इसका जो साउंड का मसला आता था, जैसे स्पीकर रुक रुक के काम करता था। वो चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई इसकी रिंगटोन, यहाँ पे कोई रिंगटोन चला ले। अभी इसके स्पीकर का जो रुक रुक के साउंड आता था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, और इसका एक और मसला था पॉपअप कैमरे का। पॉपअप कैमरा ओपन करते ही ये बंद हो जाता था। वो प्रॉब्लम भी इसकी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह के जो भी फॉल्ट होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ठीक है, और उनसे आप लोगों की हेल्प होती रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर भाई आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सॉफ्टवेयर और मोबाइल हार्डवेयर के रिलेटेड मैं कंटेंट अपलोड करता रहता हूं, और वो भी टेक्निकल बेस्ड कंटेंट अपलोड करता हूं। ये कभी नहीं कहा कि इस तरह EMMC उतारो, इस तरह ना उतारो। हालाँकि मैं EMMC का काम भी करता रहता हूँ और इस तरह के काम सारे करता हूँ, लेकिन भाई जो टेक्निकल बात होती है वो बताने में जो मज़ा है वो ये वाली चीज़ें बताने में नहीं है। अभी मुकम्मल मोबाइल हमारा ऑन है और बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। इसका पॉपअप कैमरे का जो मसला आता है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी मैं पॉपअप कैमरा आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अभी क्लोज़ करके दिखाता हूँ, ये देख लें। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में चला गया। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और बैटरी चेंज करके भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप जिस तरह से इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।